Hello everyone, this is Sonia Jain from Online Education. Now coming to question number 5 of exercise 3.3, and the question is, write the smallest and the greatest digits in the blank space of the following number so that the number formed is divisible by 3. मतलब नंबर दिए हुए हैं हमें, उसके ब्लैंक स्पेस में हमें कोई ऐसी डिजिट लिखनी है जिससे कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, एक स्मॉलेस्ट नंबर लेना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, राइट. तो 3 की डिविजिबिलिटी हमारी कैसे होती है, सारे डिजिट्स को हम प्लस कर लेते हैं. तो प्लस करते हैं 13, 15, 40, 19. ठीक है, यहाँ मैंने 3 का टेबल लिखा है. अब देखो जो मेरा 19 है वो किस में नंबर पे लाई करता है, 18 और 21 के बीच में. ठीक है, यानी कि अगर या तो मेरे पास 18 आता या अब 21 से छोटा, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो 21 तो मुझे चाहिए, ठीक है ना, और उससे छोटा तो फिर ये पहले ही ऑलरेडी आया हुआ है. तो अब 21 लाने के लिए मुझे यहाँ पे कितने डिजिट, कितना चाहिए, 19 में मैं क्या प्लस करूं कि 21 आ जाए. 21 आ गया, यानी कि 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. सो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हुआ 2. अब देखो बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की. ग्रेटेस्ट नंबर सिंगल डिजिट का वैसे होता है 9. ठीक है, अगर मैं 19 में 9 प्लस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस 9 18 28, राइट. 9 प्लस किया 28, बट 28 तो इसके टेबल में आता ही नहीं है. ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, 30 तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि 30 तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, 9 से ज्यादा हो जाएगा, और 9 से ज्यादा मुझे डिजिट लेनी ही नहीं है क्योंकि सिंगल डिजिट चाहिए. तो मुझे क्या चाहिए, 27. सो मुझे 27 लाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 19 प्लस 8 इक्वल्स टू 27 आ गया. सो यहां पर मेरे ग्रेटेस्ट नंबर हुआ 8. सेकेंड पार्ट करते हैं, अगेन इन सबको प्लस करते हैं, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2, 4 7 11 11 6 17 17 19 19 5 24. अब देखो इसका सम करने पर 24 आ रहा है, यानी कि ऑलरेडी डिविजिबल है ये 3 से. तो अगर मैं इसमें 0 भी लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसे ऐसे लिखूंगी. अगर ये नंबर होता है +5 +2 +0 = तब भी 24 आ जाएगा, बट मेरे को डिजिट मिल गई स्मॉलेस्ट डिजिट. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट मेरी हो गई 0. अब आती है ग्रेटेस्ट डिजिट की बात. प्लस करने पर 24 आया है, 24 में ग्रेटेस्ट डिजिट सिंगल नंबर की, सिंगल डिजिट की कितनी होती है, 9. अब 24 में मैं 9 प्लस करूंगी तो ये आ गया 33, और 33 जो है 3 से डिविजिबल है. तो यानी कि मैं यहाँ पे 9 लिख सकती हूँ. सो मेरी ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हुई यहाँ पे, 9. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.